बात कर रहा हूँ लाहौर से जी हमजा साहब मुफ्ती साहब से पे रहनुमाई चाहिए थी इतकाफ कैसे और इसकी तरीका क्या है ये काइंडली मुझे इसमें मेरी रहनमी फरमा ताकि और बसमीरब्राहीम याद रखें की उन्हीं चीज़ों से आपका टूटेगा कि जब आपने कोई भी आपकी हाजत तबी नहीं थी और आपने मस्जिद से कदम बाहर निकाल लिया अपनी जो इतकाफ़ की जगह थी उससे आप बाहर निकल गए जहाँ तक हाजत तबी का ताल्लुक़ होता है जिन चीज़ों का तबीयत तकाजा करती है उन चीज़ों की वजह से तो आप बाहर जा सकते हैं और अगर ज़रूरत शरी के अलावा आप बाहर निकले तो चाहे वो एक लम्हा के लिए ही क्यों ना निकले तो आपका जो इतकाफ है वो फ़ासिद हो जाएगा या फिर आपने मिसाल के तौर पर वहां पर कोई ऐसा मामला कर लिया कर लिया कि जो रोजे के मनाफ़ी था तो इन तमाम चीजों से इतकाफ फ़ासिद हो जाएगा फिर ऐसी सूरत हाल में आपको पहले तो ये सुन्नत किफ़ाया थी अब आपके ऊपर ये वाजिब हो गया तो आपको ये लाजमी तौर पर बाद में अदा करना है यहाँ पर मैं एक उस हदीस को साथ कोट करता चलूँ ताकि एक मसला भी वाजह हो जाए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि साल इससे ना आपको वो अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किन चीज़ों की इजाजत भी होती है करीम आका की हालत में थे तो हज़रत सफिया रदी अल्लाह त खिदमत हुई और जब वो कुछ देर बैठ के इतका की हालत में तो बाहर जाने लगी तो करीम का दरवाजे तक छोड़ने के लिए अब इससे क्या सबक मिल रहा है कि अपनी अजवाज के लिए खड़े होना उनको सी ऑफ करने के लिए इज्जत देना ये साबित हो रहा है तो हदीस तो हम पढ़ लेते हैं उसके अंदर जो रमोजो अवकाफ है न, उनको समझने की जरूरत कि अपनी बीवी के लिए आ, उसके अहतराम के अंदर क्या लें उसको इज्जत देने के लिए क्या लें खड़े होना सी ऑफ करना और फिर जब करीम अक्सलातम वहाँ पर पहुँचे तो दो साहबी गुजर रहे थे आप गारे गारे रुक गए और हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह तहा जब घर चली गई तो आपने उन दोनों को बुलाया दो तरह की रिवायतें एक में एक साहबी एक में दो साहबी अंसारी साहबी तो आपने फरमाया बात सुनो यी यार रसोल्ला फरमाया ये सफ़िया थी या रसोल्ला मैं आपके बारे में कोई ऐसी जहन में बात ला सकते करीमा कलम तो ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिसम में खून की तरह दौड़ता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात आए तो इससे हमें पता चलता है कि जो बात कहीं शुबा डाल रही हो उस शुबे को भी ख़त्म कर देना चाहिए तो इतकाफ की हालत में कुछ चीज़ों की इजाजत भी होती है जहां तक इजाजत का ताल्लुक है उसको वहीं तक मौकूफ रखना चाहिए उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब आप किसी ऐसी सूरत हाल में कि जो हाजत तबीय के अंदर नहीं आती मस्जिद से निकल गए इतकाफ टूट जाएगा या कोई ऐसा काम के जो रोजे के मुनाफी था उसको कर लिया तो फिर इतकाफ आपको दोबारा करना पड़ेगा वल्ला आ, मुझे बताओ कल एक कॉलर था ना जिसने कहा था कि वो मस्जिद से दूर है बाथरूम जो भी टॉयलेट होता है तो अगर आप टॉयलेट तक जा रहे हैं तो रास्ते में अगर आपको कोई मिल जाए सलाम दुआ करने के लिए तो तब भी टूट जाता है क्या वो कैसे वो कलाम कर ना करे अगर उसने सलाम कर लिया तो जवाब दे दे इसमें कोई फजूल कलाम नहीं ना करना रास्ते में अगर किसी ने सलाम कर दिया तो इसीलिए ना अलामत के तौर पे कपड़ा रखा जाता है कि लोगों को पता चल जाए कि ये एतकाफ की हालत में इससे हमने कोई फजूल अच्छा, बात को निशानी नहीं कर... होती है जी जी ठीक तो हो। ये अलामत के तौर पर एक होता है वरना अगर किसी ने कपड़ा चेहरे पर नहीं भी लिया या गले में कपड़ा रुमाल वगैरह नहीं भी रखा तो उससे कोई फर्क एतकाफ के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा तो असल मकसद ये है कि कोई भी ऐसा काम न किया जाए कि जो इबादत के अलावा हो याद रखें जब कोई बंदा इतिकाफ करता है तो अल्लाह ताला उसको हर नेकी का सवाबत आफरमें यानी जितनी नेकियां थी तमाम तो ठीक